नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पौड़ी के जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदड़े ने यहां पर कोटद्वार पहुंचकर वेस्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहीं पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के लिए यहां पर कोविड-19 हॉस्पिटल नामित किया गया है, साथ ही वर्तमान में 100 बेडों की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध की गई है। वहीं पर नॉन कोविड आईसीयू के 6 बेड यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल का आज निरीक्षण किया है। हमारे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल नामित कर रखा है। अभी वर्तमान में 100 बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है और हमारी नॉन कोविड आईसीयू हमारे पास में 6 बेड की उपलब्ध है। शासन से निर्देश जो प्राप्त हुआ था उसके क्रम में बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में हमको जो है 10 आईसीयू का निर्माण करना था, वो निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उत्तराखंड से जहां पर कोरोना की भयावह तस्वीर सामने आ रही है, तो वहीं पर जसपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्थानीय स्वास्थ्य महकमे की माने तो जसपुर में हर रोज लगभग 100 कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस प्रशासन यहां पर पहले से और भी ज्यादा सख्त हो गया है। 12 बजे तक दुकानों के खुलने के आदेश का पालन कराते हुए पुलिस प्रशासन 12 बजे के बाद तक दुकान खोलने वालों के साथ में सख्ती से अब पेश आ रहा है और साथ ही चालानी कार्यवाही भी कर रहा है। वहीं पर बिना मास्क घूमने वाले लोगों के भी चालान यहां पर काटे जा रहे हैं। जसपुर में देखिए कोविड के काफी ज्यादा मरीज हैं। हम जो सैंपलिंग कर रहे हैं उसमें से लगभग 1/3 मरीज कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं, जिनको कोई लक्षण नहीं है या बहुत मामूली से लक्षण है, उनको हम घर में आइसोलेट कर रहे हैं और उनको आइसोलेशन किट प्रोवाइड करा रहे हैं और उनकी जो कंप्लेंट है वो अटेंड करके उनकी वो कंप्लेंट दूर कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटर्स की यहां पर बदहाल व्यवस्थाओं और दवाओं की कालाबाजारी को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करी है। इस दौरान कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों से होम आइसोलेशन मरीजों की यहां पर होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराने, ओवर रेट लेने वाली एम्बुलेंस को जब्त करने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स और साथ ही रेमडेसिविर जैसी दवाओं की कालाबाजारी को लेकर भी यहाँ पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। ओवर चार्जिंग कर रही है, ब्लैक में पैसे, हॉस्पिटलों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और डेड बॉडीज़ को जलाने के लिए शमशान घाट कम पड़ गए हैं। एम्बुलेंसेस ओवर चार्जिंग कर रही है, ब्लैक में पैसे ले रही है। तो कोर्ट ने हमारी सुनवाई सुनते हुए यह आदेश दिया है कि हर हॉस्पिटल में बेड की स्थिति अवगत कराएं डेली बेसिस में और जो भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक्शन ले और जितने भी एम्बुलेंसेस वाले हैं अगर वो ओवरचार्ज कर रहे हैं तो उनके एम्बुलेंसेस जब्त की जाएं। और 10 मई के लिए कोर्ट ने कहा है कि आज का आदेश और 20 अप्रैल के आदेश में कि जो भी उन्होंने कॉम्प्लायंस करी है उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी ऑक्सीजन सप्लायर्स के गलत नंबर अंकित किए जाने और उत्तराखंड पोर्टल पर अस्पतालों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करी है। इस दौरान हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनमानस की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन सप्लायर्स के सही नंबर यहां पर उपलब्ध कराए जाएं, साथ ही दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए दवाइयों में QR कोड अंकित किया जाए ताकि इसकी मॉनिटरिंग आसानी से की जा सके। जिला अधिकारी देहरादून द्वारा जारी किया गया एक सूची भी आज माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाई गई थी, जिसमें 10 लोगों के नंबर दिए गए थे आम जनमानस को कि इन 10 लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई है। और जब इन 10 नंबरों पर फोन किए गए तो उनमें से केवल 3 लोगों के पास ऑक्सीजन सप्लाई थी और बाकी 7 लोगों के पास या तो ऑक्सीजन थी ही नहीं या फिर जो है उनके नंबर ही स्विच ऑफ थे। तो जब यह भी माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं जिलाधिकारियों को और जिलाधिकारी देहरादून को विशेषकर कि वह इस सूची को करेक्ट करके वही नंबर जो है आम जनमानस के साथ जारी किए जाएं जो उस चीज़ से संबंधित कार्य कर रहे हैं।
हरिद्वार कुंभ का आखिरी शाही स्नान समाप्त होते ही सन्यासियों के तीन प्रमुख अखाड़ों जूना, अग्नि और आह्वान अखाड़े ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब आगामी 14 मई तक पड़ने वाले सभी त्योहारों पर ये अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से हर की पैड़ी पर शाही स्नान करेंगे। अखाड़ों के अनुसार भले ही सरकार की दृष्टि में कुंभ इस महीने 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा हो, पर ज्योतिष के मुताबिक ग्रह नक्षत्रों की चाल ऐसी है कि आगामी 14 मई तक हरिद्वार कुंभ का योग है। ऐसे में ये तीनों अखाड़े 14 मई के बाद ही अपनी अपनी धर्म ध्वजा उतारेंगे। दिव्य और भव्य कुंभ को स्थापित रखते हुए अपनी आस्था को उस धर्म ध्वजा के पास में हम लोग अपने साधना और आराधना करते रहेंगे। और ये महामारी जो है ये आते ही रहता है किसी न किसी रूप में, कभी कुछ नाम लेके, कभी कुछ नाम लेके, कभी कुछ नाम लेके। तो हमारे यहाँ के जो जितने भी शासन प्रशासन है वो अपने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इसे कुछ न कुछ अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हैं और इसे समन करने का प्रयास करते हैं। इस बार भी इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रयास किया। कोई संख्या की कोई बहुत बड़ी कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। कम से कम में चिंतन किया गया है कि ये कुंभ मेले का पर्व का निर्वाह सुंदर ढंग से दिव्य संघ से हो। हमारे को हमारे द्वारा कुछ ऐसा न जाए कि हम किसी प्रकार की किसी चीज को बढ़ावा देते, अगर परंपरा खत्म न जा, इतिहास हमें कलंकित न करे। हमारे जूना अखाड़ा, वाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा साथ साथ स्नान करते हैं, साथ साथ ही रहते हैं और हमारे महामंत्री के आधार से और उनके बयान से हम भी वही बात करते हैं। मतलब परशुराम जयंती तक हम लोगों का स्नान इत्यादि जो भी कार्य है परशुराम जयंती तक रहेगा। उसके बाद अक्षय तृतीया आती है तो अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, भोजन पाजन इत्यादि वो जो कुछ होगा वो सब तक के लिए हम लोग 14 तारीख शंकराचार्य जयंती भी है और सप्तमी बहुत से त्योहार बीच में आएंगे जब तक परशुराम जयंती आएगी तक। चमोली में जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने कोविड केयर सेंटर सिमली, कालेश्वर और गोचर सीमा पर स्थापित बैरियर का यहां पर औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान जिला अधिकारी ने एसडीएम को गोचर बैरियर पर जरूरत के हिसाब से सीमित संख्या में ही डॉक्टर, शिक्षक और पुलिस स्टाफ की तैनाती रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के लिए भोजन, पानी समेत सभी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध कराई जाए। मसूरी में कोरोना का बढ़ता संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और इसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के अथक प्रयासों के बाद में अब मसूरी में एकमात्र उपजिला चिकित्सालय को कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप राणा ने बताया है कि अस्पताल में ओपीडी जैसी सेवाएं कुछ वक्त के लिए बंद कर दी गई है। अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए सारी चिकित्सीय सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई जा रही है। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है, साथ ही वेंटिलेटर की सुविधा भी 1-2 दिन में शुरू कर दी जाएगी। ये आज ही से ये कोविड केयर हॉस्पिटल के उससे शुरू हो गया है। और रही बात ऑक्सीजन की, हमारे पास ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास है और आज ही हमने 2 पेशेंट को भर्ती कर दिया। एक अति गंभीर था, बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे, उनको हमने रेफर कर दिया है और बाकी जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम देख रहे हैं, उनको हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, जो उनको होम आइसोलेशन के लिए बोल रहे हैं, जो गंभीर नहीं है उनको होम आइसोलेशन भेज रहे हैं हम लोग। हरिद्वार के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में एक निजी कंपनी कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आई है। सिडकुल में सबसे बड़ी दवा कंपनी एक्मक्स ने
अपनी एक फैक्ट्री को कोविड सेंटर में यहां पर तब्दील कर दिया। कंपनी ने अपनी एक यूनिट में 250 बेड का कोविड केयर सेंटर शुरू किया है और इस कोविड केयर सेंटर में कोरोना के गंभीर मरीजों को छोड़कर अन्य कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट किया जाएगा। साथ ही यहां पर ऑक्सीजन का भी इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसी मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे ऑक्सीजन यहां पर मुहैया कराई जा सके। इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहां पर तैनात रहेगी। फिलहाल कंपनी ने यहां पर सेंटर में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था भी की हुई है। बीस बेड तो हम लगा चुके हैं और 130 बेड हमारे पास रेडी हैं। हमारा सोचना है कि शायद उनकी ज़रूरत ना पड़े, अदरवाइज 250 बेड ये तुरंत चालू हो सकते हैं। उसमें खाने पीने का इंतजाम है, सुबह से लेकर शाम तक का सभी अरेंजमेंट जो भी एक कोविड पेशेंट को चाहिए होते हैं, जो नॉर्मल एसिम्प्टिक जो जिनको कम सिम्टम्स होते हैं वो वाले पेशेंट्स के लिए सारा अरेंजमेंट इसमें किया गया है। इसका बेसिक पर्पज़ है कि हरिद्वार क्षेत्र में खासतौर पर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत से लोग अकेले रहते हैं और अगर उनको कोई संक्रमण हो जाता है तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है घर पे अकेले रह के आइसोलेशन में जाना, और हॉस्पिटल्स में बेड की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। तो उनको सोच ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर यहाँ पे चालू किया है। एक्विम्स इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से एक बहुत अच्छा पहल अभी किया है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक्सक्लूसिव एक कोविड केयर सेंटर आज उद्घाटन किया गया है। उसमें अभी वर्तमान में 120 पीपल यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। ये जो है पर्याप्त कैपेसिटी है, आवश्यकता पड़ने पर इसको 240 लोगों का रहने का भी जो है कैपेसिटी क्रिएट किया जा सकता है। ये काफ़ी हद तक यहाँ इंडस्ट्रीज़ में अगर कोई वर्कर्स अगर संक्रमित पाए जाएंगे उनको त्वरित इलाज करने के लिए जो है इसी इंडस्ट्रियल एरिया में ही एरिया में जरूर है, मगर एट द सेम टाइम ये आइसोलेटेड भी है, थोड़ा एक्सक्लूसिव मतलब थोड़ा दूर रखा हुआ है, इसलिए जो है वो कोई ज्यादा प्रॉब्लम संक्रमण की दृष्टि से भी। वक्त तो चले छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सब जानते हैं जल ही जीवन है, तो आइए अपने जीवन को बचाएं, पानी के प्राकृतिक स्रोत हमेशा यूं ही जीवित रहें, तो हमें पानी बचाने का संकल्प लेना होगा, पानी की बूंद बूंद को संरक्षित करना होगा, पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ नहीं बहने देना है। बारिश का पानी चाल खाल तालाब और रिचार्ज टैंक्स बनाकर जमा करना होगा ताकि इसका भूमिगत संचय हो सके। पीने के पानी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए नहीं करना है। तीरथ सरकार 15 लाख से ज्यादा परिवारों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ रही है। गांव में 1 रुपए और शहर में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन। आज बचाएं जल, सुरक्षित बनाएं कल। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जल जीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। चकदे फटे देश से दुनिया तक, गांव से शहरों तक, राजनीति से खेल के मैदान तक, कि घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। देखिए स्पेशल रिपोर्ट दोपहर 12 बजे और 3:30 बजे। कुछ अलग है, कुछ नया है। आलू है, अचार है। आलू में अचार, अरे इसमें तो दोनों है यार, कमाल है। MDH का अचारी आलू मसाला, आलू में अचार का मजा। MDH अचारी आलू मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खटीमा में लगे कर्फ्यू के दौरान भी व्यापारी और ग्राहक
सुधरने के लिए तैयार नहीं है। दुकान का शटर गिराकर दुकानदारी कर रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी की दुकान का शटर खुलवाया। दुकान के अंदर से एक नहीं बल्कि पूरी भीड़ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है शटर बंद दुकान के अंदर 20 से ज्यादा ग्राहक निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लोग भी प्रशासन से लापरवाही करने वाले दुकानदार पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। और क्या नाम है, कोई लोगों ने अपने रास्ते बना रखे पीछे से व्यापार कर रहे हैं लोग, कस्टमर को अंदर घुसेड़े पड़े हैं। 12 बजे कर्फ्यू लग जाता है, उसके बाद भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। रामनगर में कोविड की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां पर एक तरफ रामनगर में जिलाधिकारी नैनीताल ने 27 अप्रैल से 3 मई तक पूर्ण कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए, जिसके चलते रामनगर में पूरी तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं पर दूसरी तरफ रामनगर में रोज 250 से 300 मरीजों की यहां पर जांच भी की जा रही है, जिसमें 40 से 50 लोग कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, रामनगर में 4 कोविड सेंटर बनाए गए हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों के यहां पर RT-PCR जांच की जा रही है। उनकी जांच की रिपोर्ट यहां पर जब तक नहीं आती तब तक उनको होम आइसोलेट रखने की बात यहां पर सरकार की ओर से कही गई है। जहाँ तक सवाल है, हम लोग 250 से 300 टेस्ट प्रतिदिन कर रहे हैं और जो हमारे पॉजिटिविटी रेट है वो 250 से 300 में 40 से लेके 50-60 के बीच में आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 15% जो पॉजिटिविटी रेट है 15 से 20 के बीच में चल रहा है। और कल मैं देख रहा था कि कुछ मीडिया में फेसबुक पे चल रहा था कि भाई RT-PCR नेगेटिव थी और उसको पॉजिटिव बताया गया है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि RT-PCR नेगेटिव आ सकता है इस स्ट्रेन में। रामनगर के शिवलालपुर इलाके में 40,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला मुन्नी देवी ने बताया कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने 40,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए फोन किया। व्यक्ति ने पहले 10,000 रुपए ट्रांसफर करके कंफर्म करने को कहा और कहा कि बाद में और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। 10,000 ट्रांसफर करने के बाद में उस व्यक्ति ने महिला से OTP मांगा, जिसके बाद में महिला के खाते से 40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने रामनगर कोतवाली में तहरीर दी है और साइबर ठगी करने वाले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मैटर आया था हमारे पास में कि उसकी फोन कॉल आई उसके पास में कोई किसी सामान के रिगार्डिंग उसको खरीदने के, उसने पे फोन के द्वारा उसको 40,000 रुपये उसके साथ में धोखाधड़ी हुई है। हमारे द्वारा उसकी सारी वो डिटेल्स वगैरह लेकर अभी जो साइबर सेल के द्वारा जो कार्रवाई होती है उनको दे दी गई है। वो प्रोसेस किया जा रहा है, अगर कहीं बैंक अकाउंट्स में या गेटवे पे कहीं उसको रोका जा सकता है तो कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, और आगे की कार्रवाई जो भी आएगी उसके बाद पता चलता है कि किस अकाउंट में पैसा गया है, कहाँ गया है, क्या नंबर था, उसकी डिटेल वगैरह ली जा रही है। तो हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है, उन्होंने हमसे बोला कि हम आपको से पहले 10 रुपये या 5 रुपये ट्रांसफर करके देखते हैं, अगर ये आ जाएंगे हम आपके उसमें 40,000 रुपये और डालेंगे, आप हमें बता देना। हमने कहा ओके हम बता देंगे। तो उन्होंने पहले 10 रुपये डाले तो 10 रुपये की ट्रांजेक्शन हमारे पास, हमने उन्हें बता दिया। उन्होंने 10 रुपये के बाद सीधे 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन करी। वो 40,000 रुपये जो उन्होंने हमारे पास उसमें भेजे हैं, वो 40,000 रुपये की ट्रांजेक्शन हमारे पास आके मतलब हमारे अकाउंट में आई नहीं है, और बाकायदा उस 40 को जो हमारे अकाउंट में 40,000 रुपये और काट दिए। एक OTP आई थी तो उन्होंने हमसे बोला था कि एक OTP आई होगी, मैं ये OTP हमें बता दो। हमने मना करा तो उन्होंने कहा आप आर्मी कैंटीन से पहली बार आपका इसमें लेन देन पहली बार हो रहा था, आपको OTP देनी पड़ेगी। हमने OTP जैसी हमने OTP बताई और हमारे अकाउंट से 40,000 रुपये कट गए। हरिद्वार में महाकुंभ के आखिरी शाही स्नान खत्म होने के बाद में कुंभ मेला पुलिस के अधिकारियों ने भी हर की पैड़ी पर शाही स्नान किया है। आखिरी शाही स्नान पर सभी 13 अखाड़ों के संतों ने यहां पर प्रतीकात्मक रूप से गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। वहीं पर कुंभ IG संजय गुंज्याल ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि 1 जनवरी से आज तक 11 स्नान यहां पर हो चुके हैं, जिनमें से 4 शाही स्नान हुए हैं। कुंभ IG संजय गुंज्याल ने यहां पर कुंभ में तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों को कुंभ समापन की बधाई दी। चौथा शाही स्नान विपरीत परिस्थितियों में, जबकि कोरोना संक्रमण का काल है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग को सिंबॉलिक तरीके से कराने की जिम्मेदारी थी, तो वो भी सक्सेसफुली संपन्न हो गया है। ऐसे अवसर पर यद्यपि जितने भी हमारे गवर्नमेंट
चाहे वो विंग्स अलग अलग डिपार्टमेंट हो, उत्तराखंड पुलिस हो, सभी का योगदान रहा। लेकिन आज के अवसर पर मैं विशेष रूप से जो हमारे स्टेक होल्डर्स के रूप में जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके हमारा सहयोग किया, जिसमें कि आदरणीय समस्त अखाड़े हैं, साधु महात्मा संत महात्मा के साथ साथ गंगा सभा और यहाँ के व्यापार मंडल, धर्मशाला होटल एसोसिएशन के लोग और माउंटेड पुलिस, बीडी स्क्वाड और साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से आए हैं, जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस का सहयोग दिया था, और उन सभी को मैं आज के दिन धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि ये जो सफलता मिली है, जो अभूतपूर्व अद्वितीय जो सफलता मिली है, ये एक मिला जुला प्रयास है, एक टीम भावना के साथ है। फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।